अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेर जी तसन जो क्लास हली रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी ग्रामर का टॉपिक चली रहा है जे में हने सा टॉपिक आए एडजेक्टिव नो पहले से पढ़िया आया थे एडवर्ब और एडवर्ब एडजेक्टिव में थोड़ा फर्क आए नहीं थोड़ा समझने की कोशिश करना एडजेक्टिव यानी सिफत है द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव यानी वो लफ्ज जो को इस्म या ज़मीर के बारे में बुधाए या उन जो गुण अवगुण किस्म अंदाज मकदार या कदर दिखारे तो उनके सिफत चबो हाँ सोलह लफ्जन से ही चीज सिफत मतलब इस्म या जमीर यानी मानू या मानू के इशारे लाके भी शूं उन बारे में बुधा उन खासियत बुधाऊँ खूबियो बुधाऊँ खामियों बुधाऊँ हाँ सिफत में जो मानू से एडजेक्टिव जो असो एडजेक्टिव जो असो सिफत पे टॉपिक पढ़ी आयासे वो पढ़ी आयासे एडवर्ब ठीक है यानी ज़र्फ ज़र्फ में फेल के बारे में हो फेल ही जान पी मिले यानी जो अस कम हो कम के बारे में जान पी मिले कड़े किस्म जो कम आ हाँ जैसे अस सिफत सिफत मानू इंसान जानवर जी शूं जो इसम हों या जमीर हों उन बारे में बुधाई हो असाए पे फेल के बारे में यानी कम हालत के बारे में ये असाई मानू के बारे में ठीक है ये इन डिफरेंस आज सिंपल वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन यानी नाउन इसम या जमीर के बारे में बजा था कर बारे में खूबियों या खामियों बुधाए हाँ उनके सिफत ये सिफत कड़ी आई ढो सुो छोको है हि होशियार छोको है हि मेहनती छोको है ठीक है ना जो खूबी होंगी ना वो में शायद नालो एडजेक्टिव में यानी सिफत में हाँ एक मिसाल दी सुो खराब खूबसूरत प्यारो डिघो अच्छो कारो ठीक है इंग्लिश में चाहता है गुड बैड ब्यूटीफुल प्रीटी ना इंटेलिजेंट माना जो खूबी समझा तो आसानी से समझा चुको आए सिंपल शूं बिल्कुल आसान सिफत माना तेजे मानू के बारे में यानी इसम या जमीर के बारे में तक इंफॉर्मेशन दी जान दी सुझाव करो तो वो कड़े किस्म जो मानू आ उन मानू की नोयत है ठीक है न होशियार आ जडो आ मेहनती आ सुठो मानू आ खराब मानू आ या हमदर्द मानू आ जी भी शूं इसम या जमीर के बारे में तक जान मिली वो तुम सिफत यानी उनकी खूबी या खामी या उनकी सलाहियत या उनका जो किरदार करे तो मानू इंसान होंद जानवर होंद जो भी होंद जो तुम नाउन जो भी नालो हों नाले के बारे में तक जान मिली उनकी जान मिले वो तिफत थी ठीक है एडवर्ब में तेज फेल के बारे में यानी वर्ब के बारे में वजात कह जान Thanks for watching. Remember us in your prayers.